इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन? दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों हर कोई इंसान इस दुनिया में बड़ा बनना चाहता है और बड़े इंसानों में बहुत सी क्वालिटी होती है, जिसमें से एक क्वालिटी है ईमानदारी। आप सभी ने सुना होगा कि हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो आइए इसी बात पे छोटी सी स्टोरी सुनते हैं कि क्यों ईमानदारी सबसे अच्छी क्वालिटी है और ये आपको बना देगी बड़ा आदमी। तो दोस्तों एक छोटा सा राज था, उस राज में अकाल आ जाने की वजह से बहुत सारे लोग भूखे मरने लगे। तो बहुत सारे लोगों को कुछ भी खाने को नहीं रहता था। तो उस राजा ने ये ऐलान किया कि सभी को एक एक रोटी दी जाएगी। तो सभी जो राज के बच्चे थे वो महल पे इकट्ठा हो जाते थे और सभी एक एक रोटी के लिए महल के सामने आ जाते थे। तो उनमें से कुछ रोटी बड़ी होती थी, कुछ छोटी होती थी, जिसके लिए उस भीड़ में बहुत धक्का मुक्की होती थी। राजा ने देखा कि एक छोटी सी लड़की है जो बिल्कुल सबसे आखिरी में खड़ी होती, जो सबसे आखिरी लाइन में खड़ी होती है और सबसे आखिरी में जो भी रोटी बची खुची होती है उसको ले जाकर खुशी खुशी वो घर चली आती है। ऐसे ही राजा बहुत दिनों तक देखता रहा, रोटी घर ले गई। एक दिन बच्ची ऐसे ही रोज की तरह रोटी घर ले गई और रोटी को खोला तो उसमें सोने का सिक्का उसको मिला। तो उसकी माँ ने बोला कि सोने का सिक्का हमारा नहीं है, ये हमें राजा को वापस कर देना चाहिए। तो वो बच्ची राजा के पास जाके बोली, राजा के पास गई और उसके पास जाके बोली, हो सकता है कि गलती से रोटी बनाते वक्त ये सिक्का इसमें गिर गया हो और आटे में और इस रोटी के अंदर ये आ गया हो, ये मेरा नहीं है ना ही मेरा परिवार का इसमें कोई अधिकार है। तो राजा इस बात से इतना खुश हुआ। दोस्तों राजा की कोई भी बेटी नहीं थी तो उसने उसको राजा ने उस लड़की को गोद ले लिया और यहाँ तक कि उसके परिवार वालों को भी महल में रख लिया और उसके बाद अपनी पूरी संपत्ति भी उस लड़की के नाम पर कर दी। तो दोस्तों इस छोटी सी स्टोरी से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जिंदगी में जैसे बड़े आदमी में बहुत सी क्वालिटी होती है, वैसे ही उनमें से एक होती है, वो है ईमानदारी। अगर आप ईमानदारी से काम करते रहेंगे, अगर आप ईमानदारी से लोगों से मिलते रहेंगे, अगर आप अपना ईमानदारी से अपना वर्ड को, हॉनेस्टी को आप पूरा निभाएंगे तो आप जीवन में एक दिन जरूर सफल होंगे और सफल आदमी ही बड़ा आदमी बनता है। दोस्तों मेरी ये बात ध्यान रखिएगा। दोस्तों एज अ मोबाइल टेक्नीशियन अगर आप कोई टारगेट अपने लाइफ में सेट करते हैं तो उसको ईमानदारी से पूरा कीजिए। जैसे जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो सोचते तो हैं कि रात के 10 बजे के बाद 9 बजे के बाद मैं पढ़ने बैठ जाऊंगा और 3 घंटे पढ़ूंगा या सुबह 6 बजे उठ के पढ़ूंगा। ये जो भी मोबाइल टेक्नीशियन वाले जो हमारे भाई हैं, जो स्टूडेंट है, वो सोचते हैं कि दिन में काम करने का रात में थोड़ा सा अपनी यूट्यूब पर वीडियो या फिर जो भी एक्स्ट्रा वर्क वो कर सकते हैं वो करूंगा, पर वो कहीं ना कहीं आलसपन के कारण वो नहीं करते हैं और वो सोचते हैं कल मैं छोड़ देते हैं। तो जिंदगी कल में नहीं है दोस्तों। अगर आप अपने काम में ईमानदार नहीं होंगे तो आपको बड़ा आदमी ऐसे में बड़े आदमी कभी नहीं बन पाएंगे। और अगर आपको बड़ा आदमी बनना है तो उसके लिए सफल बनना पड़ेगा और सफल बनने के लिए सबसे पहले बनना है आपको ईमानदार। तो इस कहानी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह जुड़े रहिए चैनल से। थैंक यू वेरी मच।